हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई अपीयर बिफोर यू विथ आवर न्यू वीडियो लेक्चर। दिस इज क्लास सिक्स। द नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इज पेपर बोर्ड्स। पेपर बोर्ड्स, दिस इज ए पोएम। This poem is composed by Nobel Prize winner Arjen Tagore. He was a great poet. He was a notable Bengali writer who wrote poems, essay, drama and songs. He was awarded the Nobel Prize for literature in 1913. His other famous works include Gitanjali. For Gitanjali, he win Nobel Prize. He composed the national anthem for two nations, India and Bangladesh. He was only composer who composed National anthem for two nations. The two nations are India and Bangladesh. Students, today I will read your first poem, Paper Boats. Once again I tell you the composer of this poem, Paper Boats, is Aryan Tagore, Rabindranath Tagore. Paper boats means कागज की नावें। हिंदी में हम कह सकते हैं कागज की नावें। Paper means you are already understood. Paper means कागज, you can say in Hindi कागज। और boats means होता है नावें, यानी नौकाएं, which is floats on water. Now, I will see line-wise explanation of this poem, Paper Boats. First line, in these lines, writer express, poet express the child imagine this and express their thoughts and desires. फर्स्ट लाइन आई विल सी, हम देखेंगे कि डे बाय डे, डे बाय डे मींस, डे बाय डे मींस क्या होगा, हर दिन। एक छोटा बच्चा है, पेपर बोर्ड्स बनाता है, जैसा कि हम लोग भी अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में पेपर बोर्ड्स बना के उसे जो है रनिंग स्ट्रीम में क्या करते थे, फ्लोट करते थे, वाटर रन करता था, बहता था, उसमें हम उस पेपर बोर्ड को जो है फ्लोट करते थे। तो उसमें तमाम तरह की तमाम तरह के विचार उसमें जो है हमारे अंदर होते थे कि पेपर बोर्ड जो है किसी विचित्र लैंड, किसी अजनबी जमीन पर जाएगी और वहां रहने वाले लोगों को हम हमारे बारे में क्या करेंगे बताएं। तो डे बाय डे, हर दिन आई फ्लोट, आई मैं फ्लोट, फ्लोट मीन्स आप जानते हैं ऑलरेडी, फ्लोट मीन्स तैराना या तैरता, तैराता हूं। माई मीन्स अपना, पेपर बोट मीन्स कागज की नाव। पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन भी मीन्स आई विल सी, हर दिन मैं अपने पेपर बोट्स को क्या करता हूं, तैराता हूं। वन बाई वन, वन बाई वन इट मीन्स एक एक करके, वन बाई वन एक एक करके, डाउन इस नीचे द रनिंग स्ट्रीम, बहती हुई धारा। हर दिन मैं अपनी कागज की नौका को एक एक करके पानी की बहती हुई धारा में क्या नीचे क्या करता हूं, तैराता हूं। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट
properly. And now third line, in big black letters, in big means क्या हो जाएगा, बड़े लेटर, black means काले letters means अक्षरों में, काले बड़े अक्षरों में, I write means क्या होता है, मैं लिखता हूँ, छोटा बच्चा कह रहा है, काले बड़े अक्षरों में I write मैं लिखता हूँ my name, बच्चा कह रहा है अपना नाम, on them उस पर, किस पर, पेपर बोर्ड पर, on the paper boards, काले बड़े अक्षरों में मैं उस पर अपना नाम लिखता हूं, यानी किस पर, नाव पर, पेपर बोर्ड पर. एंड द नेम ऑफ द विलेज, एंड और इसके अलावा मैं क्या लिखता हूं, एंड द नेम और नाम ऑफ द विलेज, विलेज मीन्स ऑफ द विलेज मीन्स क्या होता है, गांव का, वेयर आई लिव, जहां पर मैं क्या करता हूं, रहता हूं. वंस अगेन आई विल सी, काले बड़े अक्षरों में मैं उस पर अपना नाम लिखता हूं, आओ अपने गांव का नाम लिखता हूं, वेयर आई लिव, जहां पर मैं क्या करता हूं, रहता हूं. आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट की समवन, कोई इन सम स्ट्रेंज, किसी अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर, किसी अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर, यानी समथिंग विच इज अनयूजुअल, स्ट्रेंज इस आपका क्या होगा, समथिंग विच इज अनयूजुअल. आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट कि समवन, कोई इन सम स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इज समथिंग विच इज अनयूजुअल, जो हमारे लिए क्या हो, अनयूजुअल हो, असामान्य हो. लाइन जाएगा, विल बी फाइंड आउट, बहुत जो उसे क्या करेगा, पाएगा. एंड नो हु आई एम, एंड नो और वह जानेगा हु आई एम, कि मैं कौन हूं. आई लोड का मतलब मैं लोड करूंगा, मैं उसको भर दूंगा, पेपर बोर्ड को, माई लिटिल बोर्ड, अपने छोटी सी नाव को, मैं अपने छोटी सी नाव को भर दूंगा विद द सिवली फ्लावर. सिवली मीन्स होता है, सिवली ए टाइप ऑफ स्मॉल फ्लावर है, ए स्मॉल व्हाइट फ्लावर है विद एन ऑरेंज स्टाफ, जिसका स्टाफ, स्टाफ का मतलब क्या होता है, उसका जो तना होता है, जिससे ब्रांच से फ्लावर क्या होता है, लगा होता है, उसे स्टाफ बोलते हैं, ठीक है ना. ए स्मॉल व्हाइट फ्लावर है सिवली विद एन ऑरेंज स्टाफ विच ब्लूम्स इन द मॉर्निंग, और अधिकांश मोस्टली जो है दिस सिवली फ्लावर ब्लूम्स इन मॉर्निंग, सुबह में खिलता है, डान के समय, यानी जब फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सन. आई लोड, मैं लोड कर दूंगा, मैं भर दूंगा उसको, माई लिटिल बोट्स, अपनी छोटी सी नाव को, विथ सिवली फ्लावर, सिवली फ्लावर से, सिवली के फूल से, फ्रॉम आवर गार्डन, जो कि मेरे गार्डन में, जो कि मेरे बगीचे में क्या हुए, खिले हुए. स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी understanding well, and if something you are unable to understand, I will try again. Students, now write your homework. This question belongs from stanza wise. First question hai aapka, answer the फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द पोएट राइट ऑन द पेपर बोर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट write, what does the poet write on the paper board, on the paper board. Students, I hope you will be understand this question properly. What does the poet write, kabhi kya likhta, poet means kabhi, what does the poet write, kabhi kya likhta hai on the paper board, पेपर बोर्ड्स पर,
आप मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, उसका आंसर उस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। क्लियर? बिल्कुल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज ही फिल द बोट विद द सिल्वर फ्लावर्स? Why does he fill the boat with Siuli flowers? With Siuli flower. Write the meaning of following word. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट शिवली और सेकंड है शिवली, सेकंड है आपका इजी वर्ड है बोट एंड थर्ड है स्ट्रेंथ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट a short note on Aryan Tagore. Hope you will be understand it properly. If you have any difficulties, you can ask again to me. Thank you.